गन्ने के पेराई सत्र के दौरान नोईवाला शुगर मिल के गेट पर किसानों द्वारा जोरदार नारेबाजी के साथ जबरदस्त प्रदर्शन। काले झंडे लेकर भाजपा सरकार की गाड़ी के आगे लेटे कांग्रेस कार्यकर्ता। आज नोईवाला चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के दौरान किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की मांग की। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के साथ साथ नया आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देखा गया। नवभारत समाचार नोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। जानते हैं पिछले 5 साल से सरकार ने उत्तराखंड की सरकार ने गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया और 5 साल से लगातार एक ही रेट 327 रुपये का दिया जा रहा है। आज किसानों को ये एहसास हो रहा है कि हमारी लूट हो रही है, इन लूट के चलते हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों ने आज मन बनाया कि हम आज उद्घाटन के अवसर पर उत्तराखंड की सरकार का जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा हम काले झंडे दिखाकर उसका विरोध करेंगे और 450 रुपये की मांग के साथ हम उनको ज्ञापन भी देंगे अगर वो ज्ञापन हमारा लेंगे, लेकिन अगर वो ज्ञापन नहीं भी लेते हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 450 रुपये का रेट हमें किसानों को नहीं मिलता है। एक वैसे ये खुशी का दिन हुआ करता था कि मिल का उद्घाटन होता था, किसान खुश होते थे कि गन्ना मिल में जाएगा पैसे आने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ ये होता था हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमें इससे बहुत सारा काम करना होता है, मजदूरों को मजदूरी देनी होती है। सरकार के साथ हम 6 महीने पहले कह दिया था कि गन्ने का मूल्य पहले घोषित करूं उद्घाटन से पहले ताकि पर्ची के ऊपर 0 मत लिखा जाए, गन्ने का रेट लिखा जाए और किसान को ये यकीन हो जाए कि मैं किस भाव पर गन्ना बेच रहा हूं। लेकिन सरकार ने किसानों की अनदेखी की, आज तक गन्ने का मूल्य तय नहीं किया, इसलिए हमें बेबस होकर के ये काले झंडे उठाने पड़े। ये है कि वैसे सरकार उत्तराखंड की सरकार किसानों से टूट जाना चाहती है, किसानों का उनके दिल में कोई आदर नहीं है और वो इनकी परवाह नहीं करते। इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगले साल इलेक्शन में अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि वो पब्लिक के साथ नहीं है, वो मजदूरों के साथ नहीं है,
किसानों के साथ नहीं है। अगर वो किसी के साथ जनता के साथ नहीं है तो वो जनता उनको कैसे देगी, ये लोग निर्णय कर चुके हैं और ये में उन्होंने ठीक किया। ये अब जो कुछ भी करें लेकिन उत्तराखंड से बीजेपी को जाना हो, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और इसके इन विरोध के साथ वो यहाँ से जाएंगे और उनके लिए ये बहुत एक दुर्घ कि वो जनता के साथ ढके, किसान को समझ नहीं सके और किसानों के साथ आए नहीं और इन बातों को लेकर काला झंडा दिखा रहे हैं कि आप जाइए। और या आज तक आज भी वो गेट से बाहर यही खड़े होकर के रेट घोषित करें, हम उद्घाटन को खुशी मानेंगे। अगर वो आज भी कर देते हैं और अगर नहीं करते ये लाल झंडा अंदर तक जाएगा, ये धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा जब तक रेट की घोषणा नहीं।